करते हैं। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से उनका राष्ट्रीय स्तर बढ़ रहा था, उसी तरह उस पार्टी के विधायक इन्होंने भी अपना स्तर बढ़ाने के बजाय अपने स्तर को नीचे गिराना शुरू किया है। चाहे वह महिला कार्यकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ के मामले हो या फिर घुसखोरी के मामले हो, ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के बजाय खुद का ही विकास करते नजर आए, कुछ इसी प्रकार तिरुड़ा विधानसभा के विधायक विजय राहंगडाले इनका हाल है। आइए देखते हैं क्या कहती है इनके क्षेत्र की जनता। हमारे गांव में कम से कम अभी इतने लोग हैं, जनता हाँ। है, लेकिन उसमें से कम 15 या 20 लोग है। अच्छा। जो काम कर रहे हैं वो परमानेंट वाले हैं कि कंत्राटी वाले हैं, यानी ठेकेदार के पास? ठेकेदार है, कंत्राटी का है, परमानेंट कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो इस गांव में आपने अभी विजय रांगडाली जी को कितने बार इस गांव में आते हुए देखे आपने? यहाँ से रोज जाते सर। अच्छा, पर कुछ रिस्पांस मिलता नहीं, में नहीं आते क्या? बस आप अपने लोगों से नमस्कार चमत्कार वाला काम है, चल बस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या लगता है आपको कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो सक्रिय विधायक लगेगा आपको कि निष्क्रिय विधायक लगेगा? निष्क्रिय चाहिए ना सर, क्या निष्क्रिय विधायक आपको? अच्छा, यानी आपको लगता है कि इनके जो वादे है वो टोटली विफल है? विफल है, काम कुछ नहीं है, सिर्फ बातें और बड़ी बड़ी बातें और जुमलों में ही इन्होंने 5 साल निकाल दिए। जुमलों में ही 5 साल निकाले, तो यानी आपको उन्होंने अनदेखा करके रखा। समाधान नहीं है इनसे, आपको समाधान नहीं है। यानी आपको लगता है कि इनका जो राजनीतिक ये जो है, ये पैसे वाले और गरीबों के ऐसे दो अलग अलग गरीबों के हित में नहीं काम कर रही है? क्या नाम है आपका? विवेकानंद साखरे। साखरे जी, बताइए विजय रांगडाले जी के कामों से आप खुश है कि ना खुश है? नहीं। खुश है कि ना खुश है? नहीं 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 है क्या आप खुश? तो आपको लगता है कि वो निष्क्रिय विधायक है आपके क्षेत्र में? हमारे हिसाब से निष्क्रिय है। आपके हिसाब से निष्क्रिय विधायक है? मेरे हिसाब से जितना डेवलप होने को होना या जितनी ध्यान देने को होना, यहाँ के हिसाब से उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं, यानी स्थानीय विधायकों ने ध्यान नहीं दिया है? तो आपको क्या लगता है कि विकास आपके गाँव में कोसों दूर है? विकास जो बोलते हैं, जो गाँव के हिसाब से जो गरजू चीज़ें हैं, वो विधायक के अंडर में जो है उन्हें देने को होना मेरे हिसाब से। अच्छा, तो ये दत्तक गांव में विधायक रांगडाले ने क्या क्या काम किया? मेरे को तो अभी तक लगता है कि यहाँ पे हमारा गांव दत्तक लिया है आमदार ने, तो ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से तो कुछ भी डेवलप नहीं लग रहा है। अच्छा। ना ढंग से रोड है, ढंग से लाइट है। अच्छा। ना कुछ भी व्यवस्था नहीं लग रही यहाँ पे। खमारी गाँव के रहने वाले? खमारी के। अच्छा, बताइए कि ये गाँव में विकास कितना हो पाया है, यानी सड़कें वगैरह नालियाँ वगैरह बनी है आपके गाँव में? सर, नालिया तो अभी आप तो गोंदिया से आए छो। हाँ। अब आपको तो दिखाई दिया रोड। हाँ। हमारे गांव का कितना विकास हुआ नहीं हुआ। हाँ। वो तो साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस गांव के ही रहने वाले हैं ना शायद विजय रांगडाले जी? हाँ सर। तो उन्होंने इस गांव का विकास किया कि नहीं किया, क्या लगता है आपको? क्या बोलेंगे सर, अभी विकास तो हो रहा है। अच्छा, हो रहा है अभी। अच्छा, मैं और दो लोगों, 4 साल के अंदर तो नहीं हुआ, अभी हो रहा है, अभी 5 महीना और अभी बाकी है ना। हाँ। तो अभी थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है। अच्छा, अभी विकास हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो आपके गांव में सड़कें वगैरह बनी है? सड़कें पहले बनी थी। कब बनी थी ये सड़कें? 5-6 साल पहले। अच्छा, 5 साल बाद? अभी ज्यादा साल अभी नहीं बनी? नहीं, अभी नहीं बनी अभी ना। अच्छा, आपके गाँव में स्थानीय विकास निधि का एक सुलभ शौचालय भी देखा है हमने, है ना? तो वो सुलभ शौचालय लग रहा आपको किसी मकसद से बना हुआ है? नहीं, वो तो अभी बंद है। वो कितने वर्षों से बंद है? 3-4 साल हो गए। तो यानी रास्ते वगैरह जो भी हुए हैं ये अभी बनाए हुए हैं, पिछले 2-3 सालों में कुछ नहीं काम हुआ है? और क्या? आगे स्कूल बड़ी है। हाँ। पूरे तालुका में 4 स्कूल है, हाई स्कूल। हाँ। इसमें 19 सीट है। हाँ। स्लिप 6 मास्टर स्कूल में आते हैं। अच्छा, तो इस जगह मैंने अभी तक के स्कूल जो टीचर का स्टाफ है वो नहीं भरा गया है? उसके अलावा अभी एक क्लास में 16 लेडीज यानी गर्ल्स रहती है और 2 बॉयज रहती है। अच्छा, यानी कोई स्थिति है, बच्चों की भी संख्या कम है? कम है। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी जो आरोग्य डिपार्टमेंट है उसकी क्या समस्या है? आरोग्य डिपार्टमेंट का वो ऐसा है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर जा रहा है तो 15 दिन नहीं आता है, बहुत बड़ा घापा है अभी तो। अगर इस गांव में लगभग अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस तो आएंगी सर, क्योंकि उनको मजबूरी है, ड्राइवर को आना पड़ेगा। अच्छा, 108 आती है आप? वो आएगी। अच्छा। लेकिन उसके और उसका इलाज नहीं होता? नहीं होता सर।
तो इलाज के लिए फिर कहाँ ले जाते हैं उनको? अपने को गोंदिया ले जाना पड़ता है इमरजेंसी सर, तिरोड़ा या गोंदिया सर, तिरोड़ा या गोंदिया या नागपुर ले जाना पड़ता है। वो भी उसमें भी आधे रस्ते रोड फूटे हैं, दिक्कत जा रही है सर। अच्छा, काफी दिक्कत है। बताइए हिंदी में की बात है, हिंदी में जैसे भी आप इस गाँव में आए हैं, ये गाँव इस गांव को 800 साल पुराना इतिहास मिला है। स्वयं चक्रधर स्वामी इस गांव में आए थे 800 साल पहले। और ये जो गांव है, यहां प्राचीन काल का मंदिर है चक्रधर स्वामी का, जिसका महाराष्ट्र सरकार के बगट में ये मंदिर आता है, लेकिन मंदिर का डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ है सर। और सबसे बड़ी महत्व की बात यहाँ पर ये है कि सर, आजू बाजू में कहीं भी स्कूल नहीं थी एक ज़माने में, और यहाँ पर स्कूल थी। ये स्कूल प्राचीन स्कूल है, और नहीं प्राचीन नहीं, बहुत पुराने स्कूल है। इसका 100 साल का इतिहास है स्कूल का। अच्छा, ये आजू बाजू के एरिया में है, 100 साल हो चुके हैं स्कूल को। मगर सर, जिस ज़माने में वो स्कूल थी, यहाँ पर 21 का स्टॉप था। आज सर 4 से 5 टीचरों में हमें स्कूल चलानी पड़ती है, जिसके कारण शैक्षणिक नुकसान हमारे विद्यार्थियों का हो रहा है। अच्छा, गांव के बच्चों का ही नुकसान हो रहा है। तो अच्छा, इस गांव में कितने लोग बेरोजगार हो गए? इस गांव में कम से कम हो गए 200-300 लोग। 200-300 लोग बेरोजगार है इस गांव में, पढ़े लिखे जो लोग हैं। तो देखा आपने, क्या ऐसे विधायकों को जनता चुनेंगी? फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।